गोदावरी बायो रिफाइनर सर जी हाँ मैं पहले आपको कंपनी के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँगा उन्नीस में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और इथेनॉल बेस्ड केमिकल्स बनाने का कंपनी करती है कारोबार और वॉल्यूम के लिहाज से अगर आप देखें तो मार्च 2024 के जो आंकड़े हमारे पास है देश की दिग्गज एथेनॉल प्रोड्यूसर है ये कंपनी और इसके अलावा बायो बेस्ड केमिकल शुगर और अलग अलग तरह के ग्रेड के इथेनॉल और पावर प्लांट भी कंपनी के पास हैं इशू की जानकारी आपको दे दूं आज इशू खुला है पच्चीस तारीख को होगा बंद तीन और तीन सौ चौवन रुपये की प्राइस बैंड रखी गई है यानी कि हायर प्राइस बैंड 352 का है इशू की टोटल साइज़ है पाँच करोड़ की 230 करोड़ ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इशू आपके लिए है वो है तीन करोड़ का जो पैसा कंपनी के पास जाएगा टोटल मार्केट कैप कंपनी का होता है ऊपरी बैंड पर अठारह करोड़ का आइए स्वागत करते हैं हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हो रहे हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोदे गोदावरी बायो फ, रिफाइनर्स समीर सोमैया साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं समीर सर ने कार्नल यूनिवर्सिटी से साइंस में बैचलर्स और केमिकल्स इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है हॉर्वर्ड यूनिवर्सिटी से आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है केमिकल इंडस्ट्री का समीर सर को अट्ठाईस साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है सर बहुत बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए सबसे पहली बात तो सर आपका मैं जो प्रोफाइल देख रहा हूँ सारे विदेशों में पढ़ के वापस आकर आकर हिंदुस्तान में बिजनेस कर रहे हैं आप जी पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपने हमें आपके समक्ष हमारी बात रखने का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर स्वागत है। देश बनाने की बात है जी और देश को किससे हम आगे ले चलें उसी उसी वादे को निभाने के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं अच्छा लगता है सर जो मतलब अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से लोग पढ़ाई करें नहीं तो लोग यहाँ से पढ़कर बाहर भागने की सोचते हैं आप बाहर से पढ़कर वापस आ रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है तो ये जो बिजनेस आप इथेनॉल रिलेटेड केमिकल्स बनाने का और ये सब जो करते हैं ये आपका फैमिली बिजनेस रहा है या आपने आने के बाद शुरू किया है नहीं अगर आप एक तरह से समझें तो ये बिज़नेस तो पुराना है दादा की स्थापित की हुई हमारी बिजनेस है गोदावरी के तट पर उन्होंने पहली इकाई की स्थापना की थी अच्छा लेकिन हमारे और फिर पापा ने उसको बढ़ाया था लेकिन हमारी जो कल्पना है कि जो आज कल के ज़माने में जो हम देखते हैं मौसम में तब्दीली आ रही है क्लाइमेट चेंज जो हम कह रहे हैं और पूरे विश्व में अभी हम ग्रीन ऊर्जा की तरफ बढ़ रहे हैं तो रिसर्च के बुनियाद पर विज्ञान के बुनियाद पर हम किस तरह से नए रसायन तैयार करें केमिकल्स तैयार करें जो जिस पूरी जो दुनिया अगर जो हम कहते हैं कि जो ऑयल बेस या फॉसिल फोसिली से ग्रीन पे ट्रांजेक्शन करने जा रही है तो एक तो ग्रीन एनर्जी ट्रांजेक्शन है जिसपे हम काम करें और दूसरा हमारे केमिकल और मटेरियल में जाए तो विज्ञान के बुनियाद पे किस तरह से इसको हासिल किया जाए उस पर हमारा लक्ष्य है एक्चुअली so, आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है क्या क्या किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आप बेचते हैं और कहा सर हम एग्रीकल्चर यानी पहले तो ज्यादातर गन्ना खरीदते हैं जी गन्ने से हम चीनी बनाते हैं जी बायोफ्यूअल जो अपने देश में आजकल अगले साल 20 प्रतिशत का लक्ष्य है जिसे कहते हैं एथेनॉल जिसको कहते हैं वो है और फिर इन्हीं इन्हीं से किस तरह से हम रसायन तैयार करते हैं केमिकल तैयार करते हैं जो हम पूरे देश में बनाते हैं पूरे विश्व में देश में बनाकर पूरे विश्व में बेचते हैं इसके प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में जाते हैं इसके प्रोडक्ट्स त्वचा के संबंधी प्रोडक्ट्स में जाते हैं कोटिंग्स में जाते हैं एग्रोकेमिकल्स में जाते हैं तो ये सब सेक्टर्स में फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स होगा फूड इंटरमीडिएट्स होगा सब कहीं में हमारे प्रोडक्ट्स आजकल हम बेच रहे हैं। तो आपकी जो पिछले साल की सत्रह सौ करोड़ की रेवेन्यू है जी आ, कितना आपका शुगर से आता है कितना इथेनॉल से और कितना केमिकल्स वगैरह से सर इथेनॉल और शुगर में एक तिहाई एक तिहाई था ओके। केमिकल तीस प्रतिशत से थोड़ा सा कम ओके तो मतलब 95 परसेंट नाइन्टी सिक्स परसेंट तीनों, मिला, करो तीनों मिला और तीनों बराबर बराबर से इसीलिए हम अपने आप को इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी कहते हैं अच्छा तो अब बड़ी कहानी क्या बनेगी सर क्योंकि जिस तरह से सरकार का फोकस इथेनॉल पर है शुगर में तो वैसे ज्यादा बनते नहीं राइट right? वो पूरे प्राइस कंट्रोल वगैरह है तो ज़्यादा पैसे कहाँ बनेंगे इथेनॉल में या फिर केमिकल्स में चीनी भी मीठा तो है ही <laughs> बिल्कुल हाँ पैसे वो ज्यादा बनने वाली बात नहीं, नहीं सही है। आपकी बात सही है हमको कह दिया ऐसे बात हाँ। लेकिन आ, हम पूरे पूरे एक देश की बात करें और एक विश्व की बात करें जी देश में हम अगर तो दोनों में क्लाइमेट चेंज के साथ साथ या तो आप देखें हिंदुस्तान ने भी भारत ने भी कहा है कि 2070 तक नेट ज़ीरो करेंगे दूसरे सब देशों ने यूरोप में कहा है 2050 तक नेट जीरो करेंगे और एनर्जी संबंध में हम बात करें तो यहाँ पे जो राजनीति विश्व की राजनीति है जो जियो कहते हैं इसमें हमें अपने देश को ज्यादा आत्मनिर्भर करना है एनर्जी में इं। इं। तो अपने देश में अगर पानी है सॉइल है जो धरती है और नदियां हैं सूरज है तो उसके हिसाब से हम किस तरह से बायो बायो एनर्जी तैयार कर सकें इसीलिए आठ साल पहले सरकार ने सात साल पहले लक्ष्य रखा था कि हम 20 परसेंट ब्लेंडिंग 2030 तक करेंगे अभी 2025 तक उन्होंने लक्ष्य आगे कर दिया और इसको करते हुए इसके काफी फायदे हैं देश की आत्मनिर्भरता बढ़ती है क्लाइमेट चेंज का मुकाबला करते हैं और किसान की तरह देखें तो उनकी भी जो आय की सुरक्षा ज्यादातर अच्छी होती है वो एक है एज एन इन्वेस्टर ये समझू ब्रॉडली कि जब जब भी कोई एक ऐसा ऐलान होता है सरकार की तरफ से जिसमें ब्लेंडिंग बढ़ाई जाए जी। ब्लेंडिंग जल्दी की जाए या इथेनॉल के दाम बढ़ाए जाए आपको सीधा सीधा फायदा हो जाएगा मैं तो देश की बात कर रहा हूँ इस, हाँ। इस 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 जो ये इंडस्ट्री है इसमें किसान का इंडस्ट्री का नहीं नहीं बाकी का तो हो गई वो तो सरकार वो देश का सरकार को डिसाइड करना है देश को कैसे फायदा मैं तो आपकी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ अगर इथेनॉल की ब्लेंडिंग का परसेंटेज बढ़े इथेनॉल ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी हो और इथेनॉल के दाम बढ़ा दे तो आपकी कंपनी को फायदा हो जाएगा तो देश पहले तो देश बढ़ रहा है देश बढ़ रहा यानी उसकी ऊर्जा की जो खपत है वो बढ़ रहेगी वो ऊर्जा की खपत मैं कहता हूँ जैसे ट्रांसपोर्टेशन में है तो जैसे ये बढ़ेगी जितना हम रिन्यूएबल फ्यूल से करें वो हमारे वो देश के लिए भी अच्छा है हमारे लिए भी अच्छा है करेक्ट दूसरी जो ट्रेंड है जो वैश्विक ट्रेंड है जो बहुत सी कंपनियां डिफोसिलाईजेशन पे जा रही हैं क्योंकि तो ये खासकर केमिकल सेक्टर में हो रहा है जो हमारे ग्राहक हैं उनके इन। साथ हम तीन चार साल बैठकर वैज्ञानिक तौर पे रिसर्च करते हैं संशोधन करते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स में हम अगर हमारे रिन्यूएबल फीडस्टॉक के बने हुए प्रोडक्ट्स डालें तो उनका जो कार्बन फुटप्रिंट है उनका जो पछ्छाप है उनकी जो हम पैर रखते हैं अपनी धरती पर वो किस तरह से हल्की हो वो माने फुटप्रिंट हम कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं वो किस तरह से हल्की हो रिसर्च के तौर पर हम काम करते हैं उनके सप्लाई चेन में हम अपने प्रोडक्ट्स डालें तो इस पर भी बहुत सा परिवर्तन हो रहा है पूरे सो मैं सर अब आपके फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ पिछले तीन साल से आपकी कंपनी लगातार मुनाफे में जो मेरे पास फाइनेंशियल है लेकिन पहली तिमाही इस साल की उसमें नुकसान किया है क्या ख़ास वजह और क्या ये वन टाइम है या कुछ ऑपरेशनल रीजन से सर पिछले साल 2023 में अपने देश में ड्राउट हुआ था ड्राउट होने के वजह से पेनिनसुलर इंडिया में अनुमान लगाया गया था कि गन्ने का उत्पादन कम होगा ओके okay. गन्ने के उत्पादन कम होने से सरकार ने अपनी जो शुगर केन जूस से एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का जो प्रोग्राम था उस hmm. पर एक टेम्पररी रोक लगाई थी hmm. और इसके वजह से जो हमारे 2024 के नंबर है उस पर असर पड़ा था ओके okay. और यही असर आप फर्स्ट क्वार्टर में उसका ही परिणाम है लेकिन अभी आप देखें तो 2024 में बरसात बहुत अच्छी हुई है और सरकार ने एक महीने पहले ही ये पूरी एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम फिर से घोषित कर दिया है और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अगले साल के लिए काफी बड़ा प्रोग्राम किया है और अगले साल का बीस प्रतिशत का लक्ष्य उन्होंने साधा है ठीक बात है अच्छा आ... अब आप ग्रोथ कहाँ से आएगी एक आपकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो मैं देख रहा हूँ सैंतालीस परसेंट के आसपास है क्या यही कैपेसिटी फुल कैपेसिटी पे काम करने से आएगी या फिर आप कुछ नया कैपेक्स करने वाले हैं यदि हाँ तो उसके लिए पैसा क्या आईपीओ से होगा सर पहले तो अभी हमने बात की कि क्योंकि पिछले साल बारिश कम हुई थी तो सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम पे लोक लगाई थी और हमने हमारी क्षमता बढ़ाई थी शुगर केन का ज़्यादा क्रश करके उसी का जूस बनाने से बाद एथेनॉल ब्लेंडिंग में डालना क्योंकि सरकार ने इस साल के बारिश के बाद प्रोग्राम फिर से पूरी तरह से उसकी घोषणा कर दी है तो हमारी कैपेसिटी तो ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होगी ही तो ये तो अच्छी बात है और दूसरी ये बात है कि हम इस आई से हमने प्राइमरी रेस 325 करोड़ किए हैं उसमें से हम इसका उपयोग 240 करोड़ उसका हम कर्ज लौटाएंगे ओके okay. हमारा जो फ्री कैश फ्लो आएगा वो हम जो फ्री कैश फ्लो हमें उपलब्ध होगा उसका हम आगे जाते आ, उसका उपयोग हम बायोबेस्ड केमिकल्स में हमारी कैपेसिटी बढ़ाएंगे और उसमें हम बिजनेस पाएंगे ओके okay. सो so, आगे फोकस ग्रोथ का आपका इथेनॉल और केमिकल्स दोनों रहेगा जी बायो बायो रिफाइनिंग जैसे हम कहते हैं बायो रिफाइनिंग का मतलब आपका इथेनॉल भी हो गया और केमिकल्स भी, केमिकल्स भी शुगर लेकिन अलग है उसमें बायो रिफाइनिंग में शुगर, शुगर भी आ जाती है लेकिन हमारा ज्यादा हमारा ध्यान इन दोनों क्षेत्रों में बिल्कुल रहेगा सो महेश साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आपने समझदार विस्तार से अपने कंपनी के प्लांट्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताया आपका आईपीओ आज से खुला है एंकर बुक भी आपकी आ चुकी है बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर हमारी तरफ से आपका आईपीओ सुपर डुपर हिट साबित हो थैंक यू सो मच सर बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार आइए गोदावरी बायो रिफाइनर्स ये है आईपीओ जो आज से खुला है बाजार में हमने अभी मैनेजमेंट से मुलाकात की कल सुबह हम आपको बताएंगे इस आईपीओ में पैसा लगाया जाए या नहीं इसका पूरा होगा विश्लेषण आपके लिए